पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के अथक प्रयासों के चलते प्रवासी राजस्थानी अपने घर के लिए रवाना हो गए हैं। लॉकडाउन के कारण गुवाहाटी में फंसे राजस्थानियों को बुधवार को 17 बसों से राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर विश्वजीत पेगू और पुलिस कमिश्नर मुन प्रसाद गुप्ता ने अभिवादन करते हुए बसों को रवाना किया। तो वहीं पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रादेशिक अध्यक्ष मधुसूदन सिकरिया, प्रादेशिक महामंत्री राजकुमार तिवारी, असम भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष राजकुमार शर्मा सोती ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए राजस्थान के लिए रवाना किया। मारवाड़ी सम्मेलन अमृत भोग भंडारा और ब्राह्मण भवन की ओर से यात्रियों को खाद्य सामग्री सहित किराया और साथ ही में खर्चे के लिए पैसे भी दिए गए। आपको बता दें कि कोटा में पढ़ने वाले 360 छात्र छात्राओं को असम सरकार ने विशेष बसों के द्वारा गुवाहाटी बुला लिया है। जब ये 17 बसें वापस जाने को तैयार हुई तब मारवाड़ी सम्मेलन में असम सरकार और राजस्थान सरकार से बात करके 350 राजस्थानी मूल निवासियों को अपने गाँव पहुँचाने का बीड़ा उठाया। कोटा के रहने वाले हैं, कोटा से मतलब गाड़ियां लेके 17 गाड़ी लेके आसाम बच्चों को लेके आए थे। हालांकि जैसा हमने सुना था आसाम सरकार के बारे में, उससे कई गुना ज्यादा पाया। आसाम सरकार ने ऐसे लेके जेड तक के जो हमारे को सुविधाएं दी है, यहाँ रहने की, बैठने की, गाड़ियों की सेफ्टी, ड्राइवरों की सेफ्टी। आज यहाँ पर जो राजस्थान से कोटा के जो विद्यार्थी आए थे उनको लेके 17 बसें जो आई थी पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन के प्रयासों से, यहाँ पर जितने भी जो राजस्थान के वासी यहाँ पर फंसे हुए थे तो उनको आज 17 बसें लेके राजस्थान जा रही हैं और बड़े ही सुविधा सिस्टमेटिक ढंग से पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन की टीम ने उनके लिए व्यवस्था की है। असम सरकार एवं राजस्थान सरकार के सहयोग से 350 व्यक्तियों हम 18 बसों के माध्यम से राजस्थान वापस भेज रहे हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी कारण से लॉकडाउन के पहले यहाँ पहुँच गए थे और फंस गए थे, लॉकडाउन के चलते काफी परेशानी में थे। इसके अलावा और भी काफी व्यक्ति हैं। मारवाड़ी महासम्मेलन का यहाँ पर सराहनीय कार्य। गुवाहाटी में फंसे हुए 350 यहाँ पर राजस्थानियों को वापस लाने की कवायद और अथक प्रयासों के चलते अपने अपने घरों के लिए रवाना किया गया। 17 बसेस में ये सभी आए और इनकी सभी आवश्यकताओं की वस्तुओं को रास्ते भर में और सफर के दौरान जितनी भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है उनके साथ में वहां पर सभी को यहाँ पर रवाना किया गया। आपको बता दें कि कोटा में जो छात्र पढ़ रहे थे उन्हें भेजने के लिए जब ये बसें आई तो साथ ही में अथक प्रयास को किया गया और साथ ही में राजस्थानी प्रवासी जो कि अपने गृह राज्य से दूर किसी कारणवश वहां पर थे उन्हें अपने गृह राज्य में फिर से भेजने के लिए ये कवायद यहां पर छेड़ी गई और उन्हें 17 बसेस के माध्यम से 350 वो संख्या बताई जा रही है राजस्थानी लोगों की जिन्हें अपने गृह राज्य में भेजा जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए गुवाहाटी से ब्यूरो चीफ संपत मिश्रा मेरे साथ में इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संपत जी, काफी सराहनीय कार्य रहा, 350 राजस्थानियों को यहां पर वापस भेजने की कवायद, किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हुई और कितना लोग खुश नजर आए इसके बाद में? ऐसी बात है कि कोटा में जो असम के छात्र लोग पढ़ रहे थे जी, उन्होंने कोटा से 17 बसें लेके असम में आए जी। वो बसें जब वापस खाली जा रही थी तो यहाँ पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी युवा सम्मेलन जो सामाजिक संस्था है उनके प्रयासों से 350 के करीबन प्रवासी राजस्थानियों का नाम पंजीकरण किया गया जी। और 17 बसों में उनको बिठाया गया। कुछ यात्री जो है दूर दराज के वो पहुंच नहीं सके, फिर भी 300 के आसपास यात्री हैं और उन्हें यहाँ से रवाना किया गया जी। इसमें हमने राजस्थान सरकार का भी सहयोग लिया है और भी रस्ते में जो पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार और आपके ये दिल्ली सरकार है उनको भी हमने जानकारी दे दी है कि 17 बसें जो जा रही है उनको रोका न जाए और उनको सहयोग करते हुए आगे बढ़ने दिया जाए। ये सारे प्रयास पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रयासों से हो रहा है जी। संपत जी, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं काफी ज्यादा संतुष्ट ये लोग नजर आ रहे हैं। किस प्रकार से इन बसेस को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की जो कवायद फिलहाल जारी है उसको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से इन्हें रवाना किया गया?
सबसे पहले यहाँ का जो स्टेडियम है, स्टेडियम में असम सरकार द्वारा पूरी बसों को सैनिटाइज किया गया जी। उसके बाद में गुवाहाटी के सोडराम फील्ड में सारे बसों को लगाया गया। वहाँ मारवाड़ी सम्मेलन के कार्यकर्ता सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सबके नाम एंट्री किए हैं जी। जो पैसे देने में सक्षम है उनसे पैसे लिए, जो सक्षम नहीं है उनको पैसे की व्यवस्था करके दी गई है। खाने पीने का, नाश्ते का सारा व्यवस्था हम अपनी संस्था की तरफ से करके दिए हैं जी। और यहाँ जो राजस्थान के बसों के जो ड्राइवर हैं, जो खलासी है, वो इतने खुश है यहाँ के आओ भगत से जी। तो असम सरकार ने जो खातिर की उनसे बहुत काफी खुश है जी। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया संपत जी। गुवाहाटी से हम आपको खबर बता रहे हैं, 350 के करीब यहाँ राजस्थानी हैं जिन्हें अपने गृह राज्य के लिए तमाम उन प्रयासों के बाद में जो राजस्थान सरकार की मदद से किए गए गुवाहाटी की प्रशासन के द्वारा यहाँ पर भेजने का सराहनीय कार्य किया गया।